हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर की हिंदी है जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम। आपको पन्ना का त्याग पढ़ाया गया है, कांटों में राह पढ़ाया गया है। ये पार्ट छः है जो नागमणि है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप इसको गौर से सुने और पढ़ें। जब आप इसको गौर से सुने और पढ़ेंगे तो आप इसका क्वेश्चन आंसर करके मेरे पास सेंड करेंगे। लिखा हुआ है नागमणि, मैं जब जहाज़ पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया था। बहुत दिनों से वहाँ जाने का मन था, रावण की लंका पूरी देखने के लिए। कोलकाता से 7 दिन में जहाज़ कोलंबो पहुँचा। मेरे एक दोस्त वहाँ किसी कारखाने में नौकर थे, यानी मेरा एक दोस्त वहाँ किसी कारखाने में नौकर था। मैंने पहले ही उसे ख़त लिख दिया था, वह घाट पर आ पहुँचा था। हम दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने के लिए निकल पड़े। जहाज़ वहाँ 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान से 4 दिन की छुट्टी ले ली। जब हम दोनों खा पी चुके तो गपशप होने लगी। वहाँ के सीप और मोती की बात छिड़ गई। मेरे दोस्त ने कहा, ये सब चीज़ें तो यहाँ समुद्र से निकलती ही हैं और आसानी से मिल जाएंगी, मगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जो शायद तुमने कभी ना देखी हो। हाँ, उनके बारे में किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा। मैंने ताज्जुब से पूछा, वह कौन सी चीज़ है? उसने कहा, नाक की मणि। मैं चौंक उठा और बोला, नाक की मणि? उसका जिक्र तो मैंने किस्से कहानियों में सुना है और यह भी सुना है कि वह अनमोल होती है। क्या नाक की असली मणि? वह गर्व से बोला, हाँ भाई, असली मणि तुम्हें मिल जाए तो मानोगे? मुझे विश्वास ना हुआ। फिर बोला यहाँ 500 किस्म के नाग हैं, मगर मणि एक ही तरह के नाग के पास होती है, उसे कालिया कहते हैं। बात यह है कि यह चीज़ मुश्किल से मिलती है, 500 में शायद एक के पास निकले, मगर मिलती ज़रूर है। मैंने सुना था कि नाग मणि को अपने सिर पर रखता है, मगर यह बात गलत निकली। मेरे दोस्त ने कहा, यह चीज़ उसके मुंह में होती है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तो मुंह के अंदर से चमक कैसे नज़र आती है? दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की ज़रूरत होती है तो वह किसी साफ पत्थर पर वह उसे सामने रख देता है। उस वक्त ज़रा भी खटका हो तो वह उसे झट से मुंह में दबाकर भाग जाता है। उसकी यह आदत है कि जहां एक बार वह मणि को निकालता है वहीं बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों से कह देता हूं, वे लोग कहीं ना कहीं से ज़रूर खबर लाएंगे। 2 दिन गुजर गए। 3रे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया। मैं झट उठ गया और अपने दोस्त के साथ बाहर आया तो वह आदमी खड़ा था जो मणि की खबर लाया था। कहने लगा, अभी मैंने एक नाग को मणि से खेलते देखा है, अगर आप इसी वक्त चलें तो मणि हाथ आ सकती है। हम फौरन उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में हम एक जंगल में पहुंच गए। उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वह देखिए नागमणि रखे बैठा है। मैंने उस तरफ देखा तो सचमुच 20 गज की दूरी पर एक नाग फन फैलाए बैठा था और उसके आसपास उजाला हो रहा था। पहले तो मैंने समझा कि शायद जुगनू हो, पर रोशनी ठहरी हुई थी। जुगनू की चमक चंचल होती है, कभी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि किसी उपाय
किसी उपाय से मनी हाथ लगे। आखिर मैंने उस आदमी से कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई कि हुई कि बंदूक नहीं लाया, मुझसे बड़ी गलती हुई कि बंदूक नहीं लाया, इसे मार कर मनी उठा लेता। उस आदमी ने कहा, बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ हाथ में लिए लौटा। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। मैंने पूछा, कीचड़ से क्या होगा? उसने कहा, चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने मुझे भी चढ़ने का इशारा किया। मैं भी ऊपर चढ़ा। तब वह डालियों पर होता हुआ नाक के ऊपर आ गया और एकाएक उसने मनी पर कीचड़ फेंक दिए, जिससे वहाँ पर अंधेरा छा गया। नाक घबरा कर इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। मैंने समझा नाक चला गया। मैं पेड़ से नीचे उतरने लगा। उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूल कर भी नीचे नहीं जाना, नहीं तो घर तक ना जा सकोगे। वह नाग यहीं पर कहीं ना कहीं छिपा बैठा होगा। हम दोनों ने उसी पेड़ पर रात बिताई। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देखकर नीचे उतरे। साथी ने कीचड़ हटा दिया, मनी नीचे पड़ी थी। मैं मारे खुशी के मतवाला हो गया। जब हम दोनों घर पहुँचे तो मेरे दोस्त ने कहा, अब तुम्हें विश्वास आया या अब भी नहीं? मैंने कहा, हाँ, नाक के पास से इसे लाया अवश्य हूँ, मगर मुझे अभी तक संदेह है कि वह ही अनमोल मनी है। पूछताछ करने पर पता चला कि यह एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में चमकने लगता है जब तक वह ठंडा नहीं होता, इसी तरह रोशनी देता है। नाग मणि को दिन भर मुंह में रखता है ताकि यह गर्म रहे। रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े पकड़कर खाता है। अब आप लोगों ने इसको सुना, रेटिंग आप लोग बार बार इसको दें और सुंदर राइटिंग लिखें और हमको व्हाट्सएप पे सेंड करें और सारा क्वेश्चन आंसर आप कर लें, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन आंसर है। कोलकाता से जहाज़ कितने दिन में कोलंबो पहुंचा? आपको मालूम है 7 दिन में पहुंचा। सीप और मोती कहां से प्राप्त होते हैं? समुंदर से। तो कोलंबो किस देश में है? श्रीलंका में है। सारा कुछ आप अभी पढ़े हैं, आसानी से आप इसको बनाइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।